आरएसएस और इससे जुड़ी संस्था पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती समारोह के अंतर्गत 25 तारीख को धानक्या के अंदर एक स्मृति व्याख्यान करने जा रही है। हमारे साथ में मोहनलाल जी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ उस स्मृति व्याख्यान में रहने वाला है, कौन कौन अतिथि उसके अंदर आने वाले हैं, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती 25 सितंबर को धानक्या रेलवे स्टेशन पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक है, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि माननीय गजन सिंह जी शेखावत, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, वो होंगे, वो उन्हीं का मुख्य भाषण भी होगा। इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि के रूप में राव राजन सिंह जी, ग्रामीण जयपुर के सांसद हैं, और मंजू जी शर्मा, जो जयपुर शहर के सांसद हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो श्री नरसी राम डी कुलरिया, जो मुंबई के उद्योगपति हैं, वो रहेंगे। इसमें हमने ऐसे लोगों का हम सम्मान करेंगे जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर शोध किया है। करीब ऐसे 8 विद्यार्थी हमें मिले हैं, राजस्थान का, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में सहभागिता की और नाम किया है, ऐसे लोगों का भी हम सम्मान करेंगे, जिसमें अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल है, सुंदर जी हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ प्रतियोगिता आयोजित की है, दीनदयाल को जानो प्रतियोगिता, ये बच्चों में दीनदयाल जी का विचार जाए तो इस दृष्टि से उसमें जो विजेता होंगे उनका सम्मान करेंगे। एक हमने राष्ट्रीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता करवाई है, जिसका विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसके विजेताओं का भी हम सम्मान करेंगे। एक काम हम नया कर रहे हैं कि दीनदयाल जी के नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं वो उनके कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से राजस्थान में दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से एक विश्वविद्यालय है, शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में, वह 24 सितंबर को ही एक संगोष्ठी कर रहा है, जिसमें जिसकी अवधारणाएँ हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रणेता। तो इस तरह से काफ़ी लोग उसमें उपस्थित होंगे, तो एक रूपरेखा है जो हम 25 सितंबर को आयोजित करेंगे। सर, एक सवाल मेरा है जो मैंने कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था, कि जिस प्रकार से आपने भी उल्लेख करा कि दीनदयाल जी विदेशों की कई उन्होंने यात्राएं की थी, जिसके बारे में आज की पीढ़ी को नहीं पता और ढूंढे भी नहीं मिलता, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी हो गए, वीर सावरकर जी हो गए, या हमारे जितने भी पुराने जो विचारक थे वो समय समय पर विदेश जाते थे हिंदू और सनातन की शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करने, लेकिन आज देखने में आ रहा है अगर जा भी रहे होंगे आज के समय में भी, तो वो इतना वो ना तो मीडिया में आता है ना उसका इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, जबकि इसके उलट जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार खूब अच्छे तरीके से किया जा रहा है, तो उस दिशा में क्या कुछ काम अब आगे किया जाएगा या किया जा रहा है? देखिए, ये जो समिति है, ये समिति खासतौर से उस साहित्य का ध्यान रख रही है जो अभी उपलब्ध नहीं है। हम देखते होंगे कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय राजस्थान में करीब 21 वर्ष रहे, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश गए और संघ के संपर्क में आए, तो जब से संघ का दायित्व दीनदयाल जी को मिला उसकी जानकारी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। लेकिन राजस्थान में जो 21 वर्ष रहे और उन्होंने जो कष्ट पाए और कष्टों के कारण जितनी निकटता उनकी संघ के प्रति रही और उनका विचार बना और जो भारतीय संघ के मूल्य उसमें प्रविष्ट हुए, इसकी जानकारी कम है। तो अटल ये दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति उनके ऐसे सभी स्थानों पर जा रही है और ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर रही है जिनसे इसकी पुष्टि हो सके। एक और बात खास तौर से कि दीनदयाल जी की विदेश यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं, कि दीनदयाल जी ने विदेश यात्रा में जाकर विदेश में गए नहीं गए, क्या किया, तो ये भी इस संबंध में भी हमारी समिति काम कर रही है। और मैं स्वयं अभी करीब गत वर्ष भी गया था और इस बार भी अमेरिका की यात्रा की है, और उसमें दीनदयाल जी जहाँ जहाँ गए उन स्थानों को ढूंढ रहे हैं। तो अभी हमें अमेरिका में 2 स्थान मिले हैं, एक स्थान टेक्सास विश्वविद्यालय है जहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भाषण दिया था,
एक वहाँ का नगर निगम है जहाँ उन्होंने भाषण किया था, और एक वहाँ का ब्लैक कॉलेज है तो वहाँ पर उन्होंने भाषण किया था। मैं मुझे कहते हैं पसंद है कि उस समय टेक्सास जो प्रांत है उसके गवर्नर ने उनको वहाँ की नागरिकता प्रदान की और उनका सम्मान किया, और वो जानकारी जब मुझे मिली और वो डॉक्यूमेंट मिला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये सब इसके अलावा वह वहाँ पर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वहाँ भी गए और वहाँ भी उन्होंने भाषण किया। इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड में जाने के बाद तो जैसे वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस दृष्टि से काफ़ी उन्हें सभाएं की, मीटिंग्स ली, और वहाँ की प्रेस प्रसन्न होकर उनको उन जो शीर्षक से खबर निकाली मैन टू वॉच, मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिस पर निगरानी रखनी है कि क्या करने वाला ये। और वो आज सही साबित हो रहा है कि दीनदयाल जी ने जो पौधा लगाया वो भारतीय जनसंघ के रूप में लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। तो इस तरह से इंग्लैंड में गए, फिर वो दक्षिणी अफ्रीका के कई 6-7 कंट्रीज में गए, और आज वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में तो दीनदयाल जी के नाम से एक भवन बना हुआ है, दीनदयाल भवन, वो नैरोबी में। तो इस तरह से जहाँ जहाँ गए अब वहाँ लोगों में जागरूकता है, वो उनके नाम से कुछ काम करना चाहते हैं। वैसे एक आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से हिंदू और सनातन के ऊपर हमले लगातार देखे जा रहे हैं, और भले ही आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या बीजेपी हो गई, या विचार परिवार हो गया, ये सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी कहीं ना कहीं उसी संस्कृति के आधार पर हुई थी। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है, जैसे राम मंदिर बना, 500 साल का सपना हमारा पूरा हुआ, लेकिन उसी राम की धरती से, अयोध्या से, वाराणसी से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, और धीरे धीरे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो संपूर्ण विपक्ष एक तरफ हो गया है, और कहीं ना कहीं संघ परिवार हो गया, विचार परिवार हो गया, विश्व हिंदू परिषद है, बीजेपी है, वो अलग थलग पड़ गई है। देखिए ऐसा नहीं है, राजनीति अलग चीज़ है, विचार अलग चीज़ है, और हमारी संस्थाओं ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है कि हमारा विरोधी क्या कह रहा है। हम अपना काम करते हैं। दीनदयाल जी ने तो कहा है कि भाई आपको किसी काम को आगे बढ़ाना है तो आप बड़ी लाइन कर दीजिए, तो हम बड़ी लाइन खींचने में लगे हुए हैं। अपने आप जब लाइन बड़ी होगी तो जो विचार है, नेगेटिव विचार है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि जब लोगों को अस्तित्व ऐसा लग रहा है कि अब हमारा अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो नेचुरली वो लोग उल्टा सीधा जो भी करेंगे। तो इसलिए हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। भारत विश्व गुरु रहा है, रहेगा, और निश्चित रूप से जो पिछला 10-15 साल का इतिहास है, इसकी अर्थव्यवस्था है, इसके आप लोग डेटा उठा कर देख लीजिए, जहां भारत को कोई पूछने वाला नहीं था, अब उसको कितना सम्मान मिलता है। आज हर तरह की शांति में भारत का योगदान, भारत प्रधानमंत्री की पूछताछ, भारत के लोगों की क्रेडिट विदेशों में इतनी तगड़ी है कि उन पर लोग विश्वास करते हैं। आज अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था में भारत के लोग इतने छाए हुए हैं कि यदि मोदी जी या हम कोई आह्वान कर दें कि भाई आप 1-2 महीने के लिए आ जाइए, कल्पना करिए तो आ जाए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भारत, हम सब इस बात का प्रयत्न करें जिस जिस क्षेत्र में हम लोग हैं कि हम, आप पत्रकारिता में, तो पत्रकार के द्वारा ऐसे विचार आगे बढ़ें जिससे भारत के विश्वगुरु बनने में सहायता मिले। तो हर व्यक्ति अपने अपने काम को ईमानदारी से करता रहे और अपने काम को आगे बढ़ाता रहे, तो निश्चित रूप से 2047 हम सब उस समय तक, मैं तो पता नहीं रहा हूँ, आप लोग सब रहेंगे और देखिए भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद। ये था हमारे साथ मोहनलाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से भारत पहले भी विश्वगुरु रहा था और आगे भी रहेगा, और इस चीज़ का जो विचार है वो धीरे धीरे हर भारतवासी में घर करता जा रहा है, और इसका सबूत है कि भारत एक विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो चला है, और जो भी विचार भारत की तरक्की, भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, वो विचार धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें लाइन बड़ी करनी है ताकि जो विरोधियों की लाइन है वो अपने आप छोटी हो जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।